पकौड़ा मिक्स। रमजान में आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है पकौड़ा मिक्स। इसमें कोई भुनाई वगैरह नहीं है, इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद जीरा पहले से हल्का सा भुना हुआ है। हम चीज़ें आपको बताते जाते हैं पकौड़ा मिक्स में क्या कुछ है। बेसन इसमें आ गया 1 किलो। उसके बाद आ जाता है इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर क्या करेगा, बेसिकली पकौड़े जो कड़क पकौड़े कुछ लोगों को बड़े पसंद होते हैं, जो कि आमतौर पर जैसे ही फ्राई किया उस टाइम कड़क है, थोड़ी देर हो गई तो फिर नरम पड़ जाता है, ये कॉर्नफ्लावर इसको काफ़ी देर तक कड़क रखेगा। तो ये इसमें कॉर्नफ्लावर आ गया। इसके बाद आ गया इसमें नमक। अच्छा, नमक जितनी रेसिपीज़ में मैं यूज़ कर रहा हूँ देखिएगा, हमेशा हम कमी रख रहे हैं ताकि अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकें। नमक आ गया, पिसी लाल मिर्च आ गई, हल्दी आ गई, और इसके बाद आ गया इसमें कसूरी मेथी। इसका बहुत ही शानदार जायका आता है और बहुत सारे कम लोग इस्तेमाल करते हैं, है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जायका इसका बहुत अच्छा आएगा। कोटा धनिया भुना हुआ है, ये 4 खाने के चम्मच आ गया। साथ में ज़ीरा आ गया, साथ में इसमें तलहार मिर्च जिसको हम देगी या कश्मीरी मिर्च कहते हैं। इसे पकौड़ों का रंग बड़ा खूबसूरत हो जाता है, तीखापन नहीं बढ़ाता लेकिन पकौड़े आपके खूबसूरत नज़र आते हैं और खुशबू भी बड़ी अच्छी हो जाती है। साथ में लहसुन पाउडर आ गया और साथ में इसमें बेकिंग सोडा आ गया। बस इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, बेकिंग सोडा जहन में रखिएगा, कम ही रखिएगा। इस मिक्स को तो हमने पकौड़े वाले को सिंपल मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका भी जहन में रखिएगा, ये बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर बाहर आप इसको रख रहे हैं किचन में किसी भी जगह पे, तो फिर आपने इसको बहुत बंद थैली में या बंद डब्बे में, ऐसा कि इसमें नमी और गर्मी नमी ना जाए, ख़ासतौर पर नमी से ख़राब होता है। सो इसको सिंपली मिक्स करना है और ये हमारा पकौड़ा मिक्स हो जाएगा तैयार। इसको सिंपली मिला लेना है, बस देख लीजिएगा कोई मसाले वगैरह गुठली ना हो। पकौड़ा मिक्स, अच्छा, बेसन 1 किलो, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 कप, नमक 1.5 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 3 खाने के चम्मच, कुटा धनिया 4 खाने के चम्मच, कुटा जीरा 3 खाने के चम्मच, पिसी तलहार मिर्च 3 खाने के चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच।